ये तस्वीरें हैं शिवपाल यादव के उस रोड शो की, जिसमें सपा नेता शिवपाल यादव का सपाइयों ने जोरदार स्वागत किया। करीब 3 किलोमीटर का रोड शो करने के बाद गुलशन यादव ने चुनाव कार्यालय पर पहुंचकर चाय पी और फिर प्रयागराज के लिए रवाना हो गए। इस दौरान भारी सपाइयों का हुजूम भी उमड़ा, हालांकि उनके स्वागत को लेकर गुटबाजी भी काफी हावी रही। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव के आने को लेकर सपाई उत्साहित रहे। सपा समर्थकों ने शिवपाल के स्वागत के लिए पहले से ही तैयारियां कर रखी थीं। कहा जा रहा था कि वो निवर्तमान नगर अध्यक्ष सीमा यादव के घर जाएंगे। बावजूद इसके सपा कार्यकर्ता उनके अवगानी करने के लिए इनारा बाईपास पहुंच गए। सपा जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव ने प्रतापगढ़ की सीमा पर उनका स्वागत किया। कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद शिवपाल यादव वहीं खुली जीप में खड़े हो गए। उनके आगे आगे युवा कार्यकर्ता साइकिल चलाते रहे। मवई फटकी, मन्नान और कुंडा कस्बे में भी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वो गुलशन यादव के चुनाव कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने चाय पी और प्रयागराज के लिए आगे बढ़ गए। हालांकि इस दौरान नगर पंचायत टिकट को लेकर हो रही गुटबाजी भी सामने आई। सीमा यादव के घर न जाने को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। सपा नेता शिवपाल के आने को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह तो रहा, लेकिन उनकी गुटबाजी भी सामने आई। देशराज का इनारा पर कुंडा विधानसभा अध्यक्ष राम अवध काका, पूर्व विधायक सदर मन्ना यादव, सौरभ सिंह, सदर के पूर्व प्रमुख विनय सिंह, पूर्व जिला महासचिव रमेश यादव, अखिलेश यादव आदि ने स्वागत किया। इसके बाद ये सभी लोग वहां से कार्यालय नहीं आए। हालांकि शिवपाल यादव ने इस दौरान किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की और करीब 15-15 मिनट के ठहराव के बाद उनका काफिला प्रयागराज के लिए रवाना हो गया। भैया